स्टार्ट। नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हम उपस्थित हैं इस समय विद्यावती तृतीय वार्ड में। इस समय चूंकि चुनावी अखाड़ा सज चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा। उपस्थित है विद्यावती तृतीय वार्ड के चंद्रमणि पांडे हैं हमारे साथ, आज हम बातचीत करेंगे उनसे। और चंद्रमणि पांडे वो शख्स हैं जो एक समय संघर्ष में नाम लिया जाता था। एक समय इस व्यक्ति का नाम तब लिया जाता था जब भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का नाम लिया जाता था और उनकी चर्चा होती थी। उस समय ये नाम चंद्रमणि पांडे का था। आज चंद्रमणि पांडे निर्दलीय क्यों हो गए, आखिर क्यों भाजपा से बगावत का बिगुल बजा? और एक और बात कि अब अगर चुनाव में उतरे हैं तो किन मुद्दों के साथ उतरे हैं और कौन कौन से मुद्दे इनके सार्थक होने की दिशा पर काम इनका चल रहा है या अब तक किए हैं, हम वो भी जानेंगे ना। वोट आखिर मिले तो मिले, क्यों मिले, इन सब सवालों के साथ में बस थोड़ी देर में जनता के सामने और चंद्रमणि जी सामने सवाल हमारे, उत्तर उनका, बस थोड़ी देर। नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रमणि पांडे, एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी में एक समय संघर्षरत व्यक्तियों में या कार्यकर्ताओं में लिया जाता था, आज बगावत हैं या निर्दलीय हैं, इन सब बातों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रमणि पांडे, आइए हम बातचीत करते हैं। चंद्रमणि जी नमस्कार। नमस्कार। आखिर इस बार के चुनाव में, चूंकि जाहिर सी बात है चुनाव का मैदान बिल्कुल सज चुका है, आज के तारीख के हिसाब से गिने चुने दिन बच गए हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी अखाड़े में मैदान पे उतरे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? इसके पहले अभी तक जो सभासद हुए थे हमारे यहाँ, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सीवर संबंधित लगातार मैंने काम किया, जहाँ मुझे जानकारियाँ मिली। हॉस्पिटल, चाहे लोक बंधु हॉस्पिटल, मैंने 15 सूत्री मांग किया, जिसमें कि न्यूरो, गैस्ट्रो और 24 घंटा हॉस्पिटल के लिए मैंने मांग की हुई है, लिख के मैंने DM को दिया हुआ, अभी तक नहीं हुआ। यही सारे मुद्दे लेके जाएंगे आप जनता के बीच, और कोई मुद्दे कौन से हैं इस बार के चुनाव में, किन किन मुद्दों के साथ आपने जो गिनाया है, ये तो आपने किया है जी। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ जिन मुद्दों के बीच जनता के बीच आप जा रहे हैं। आगे मुझे करना है जो, हाँ नहीं, अब आपके मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जो जा रहे हैं, इन मुद्दों के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो कौन कौन से? मैं तो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, अरे और जो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग, मेरी माँ, मेरी बहनें, समाज के अंदर जो युवा मेरे साथ थे, उन लोगों के कहने पे मैं समाज में उतरा। मुझे पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं जो है लगातार सेवा करता रहा और आगे सेवा करना है मुझे। लोगों के कहने पे मैं समाज में उतरा हूँ और मुझे आगे काम करते रहना है। वो मुद्दे कई तरह के हैं जिसको मैंने सोच रखा है। अच्छा, एक चीज़ और चंद्रमणि जी, क्योंकि पहले आप भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी थे, प्रत्याशी अब कोई और है, कोई दिक्कत परेशानी निर्दलीय और दलीय, क्या अंतर है इसमें आपके हिसाब से? दलीय और निर्दलीय में तो बहुत अंतर होता है, क्योंकि दल का एक वोट बैंक फिक्स होता है और निर्दलीय को जीरो से शुरू होना होता है। लेकिन मैंने क्षेत्र में शुरू से काम किया और लोगों के साथ रह के मैंने रात दिन काम किया, इसमें मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुझे जीरो से नहीं, दल के ऊपर वाले वोट से शुरुआत मेरी होगी। लोगों का इतना प्यार और सिंपैथी मुझे मिल रहा है, उन लोगों के कहने पर ही हम चुनाव मैदान में उतरे। मुझे सभासद बनने का शौक नहीं था, प्यार में अभी नजर नहीं आया, प्यार मुझे सभासद बनने का शौक नहीं था, लेकिन लोगों के कहने पर जबरदस्ती मुझे नामांकन करना पड़ा और क्षेत्र में मुझे मैदान में उतरना पड़ा, उतरना पड़ा और समाज में मैं जितना जा रहा हूँ, लोगों की मुझे सिंपैथी मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुझे प्यार मिल रहा है। अच्छा, एक बात, आपने यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ घूम नहीं रहे, लेकिन उन लोगों का प्यार मेरे साथ है और सिंपैथी मेरे साथ है, क्योंकि वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मेरे पार्टी के पदाधिकारी हैं, और पार्टी के पदाधिकारी अपना पद के लिए मेरे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उन लोगों का प्यार मेरे साथ है और उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसमें सिंपैथी मिलने की वजह से मैं पूर्ण विजयी हूंगा, मुझे अपने आप में भरोसा है। बड़ा उत्तर है आपका जी। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रेम है आपका, आपके प्रति मैं निवेदित, चलिए अच्छी बात है, ये प्रेम है आपका। लेकिन एक प्रश्न और कि लगातार जिस तरह से आपका रहा, जरा हम ये जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों के साथ में भाई लोग आपको वोट क्यों करें, आपने कितना समाज के प्रति समर्पण अपने किया है, पीछे वाले बिना पद में रहते हुए कितने संघर्षशील आप रहे, कितने आपने जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आप लड़ते रहे, जरा वो मुद्दे गिना दीजिए, क्योंकि उन्हीं मुद्दों के संघर्ष से ही तो वोट मिलेगा, जरा संघर्ष वाले मुद्दे बता दीजिए आप।
जब जब जरूरत पड़ी रात में अगर थाने जाना पड़ा, उसके कई यहाँ पे साक्षात प्रमाण बैठे हुए हैं इन पब्लिक के भीड़ में, उन लोगों के लिए रात में 1:30 बजे 2 बजे चाहे लोक बंधु हॉस्पिटल लाओ। लोक बंधु हॉस्पिटल का स्टाफ मुझे इसलिए जानता है कि मैं वहाँ रात दिन नहीं देखा, मंगल बृहस्पति शनिचर ऐसा लगता था कि मेरी वहाँ ड्यूटी है 2 घंटे की। हर हफ्ते वहाँ पहुँच के जो मेरे से होते थे सबका ट्रीटमेंट करवाना, इलाज करवाना। जहाँ कहीं सीवर प्रॉब्लम आई, आज भी मैंने एक जो है सीवर प्रॉब्लम लाइन जाम पड़ी थी, आज उसको मैंने सही कराया। अच्छा, चुनाव के दरमियान? चुनाव के दरमियान, अभी आज की बात है कि आज वही मैंने उसको सही कराया, और आज ही की बात है कि अभी मैं थाने से ही लौट के आ रहा हूँ। अच्छा, अभी किसी के लिए। अच्छा अच्छा, और एक बात और, आपने जो बनाया कि लोक बंधु हॉस्पिटल से लेकर सारी चीजें थी, लेकिन क्या लगता है कि इन सारे चीजों से आपको जनता का प्रेम जिस प्रकार से मिलना चाहिए था वो मिल रहा है? मुझे जनता का पूरा प्रेम मिल रहा है और मेरा साहस इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस चीज में। अच्छा, जनता मेरे साथ है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, सब लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है कि मैं सबके साथ हूँ, और लोगों ने मुझे चुनाव लड़ा है, न कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था। लोगों के प्यार की वजह से मुझे समाज में उतरना पड़ा और मैं समाज सेवा करता रहूंगा, अभी कर रहा हूं, पिछले चूंकि उस बिना पद के, आगे मुझे अगर पद मिलता तो उससे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। भविष्य बताएगा, ये तो भविष्य बताएगा। ये बता दीजिए कि आखिर चुनाव लड़ना, चले ठीक बात है, क्या आपको लगता नहीं है उन नीतियों के साथ जब आप भाजपा ज्वाइन किए थे उन नीतियों के साथ अब बगावत नजर आ रही है, क्या लगता नहीं आपको? बगावत मैंने नहीं किया, पार्टी ने मुझे मजबूर किया बगावत करने के लिए, और मैं अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता था। उनका अगर मैं विश्वास तोड़ देता तो कल को मेरे लिए बहुत दिक्कत होती। यानी जनतंत्र प्रमुख है आप? जनतंत्र प्रमुख है, जनतंत्र के लिए ही हम चुनाव मैदान में आए। आज अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो लोगों को दूसरी बातें समझ में आती कि हम चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। जो मेरे साथ रात दिन खड़े होकर मेरे कार्यक्रम में आए दिन अपना समय बर्बाद करना, मेरे लिए पैसा खर्चा करना, उन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा टूट जाता और जनतंत्र में मैं किसी के लायक नहीं रहता। चलिए चलिए, बात तो ठीक है कि होना भी चाहिए जनतंत्र का विश्वास, लेकिन देखते हैं भविष्य में गुलाब पर कितना बटन दबता है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये बता दीजिए, अगर पार्षद आप बनते हैं, उम्मीदों का भरा प्रश्न है, अगर आप पार्षद बनते हैं तो किन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करेंगे? सोचा होगा ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो क्या? हमारे क्षेत्र में जितनी मल्टी एक्टिविटी हैं सारे में सुलभ शौचालय व्यवस्था कराना, जितने पार्क हैं उसमें फलदार जो वृक्षों को लगवाना, उसका सौंदर्यीकरण कराना, हॉस्पिटल में जो धरना देकर 15 सूत्री मैंने मांग किया, नहीं होगा तो मैं धरना देकर उसको पूरा करूंगा। जैसे कौन से मुद्दे थे? उसमें ढेर सारे मुद्दे हैं, जैसे 24 घंटा अभी हॉस्पिटल नहीं है वहाँ, गैस्ट्रो न्यूरो और फैसिलिटीज वहाँ, डॉक्टर नहीं है, उन सारों को मैं पूरा करूंगा। पावर हाउस चौराहे का छोटा करा के सौंदर्यीकरण कराना मेरे मुद्दे में है, और 15 लोगों की जो सरकारी नौकरियों से या सामाजिक हैं, रिटायर हो गए हैं, उनकी एक मैं कमेटी का गठन करूंगा, जिसमें कि 3-3 लोग एक कमेटी में होंगे, 5 टीमें गठन होंगी। एक टीम जो मेरी चिकित्सा व्यवस्था देखेगी, दूसरी टीम थाना देखेगी थाने से संबंधित, तीसरी टीम जल निकासी सीवर इसको देखेगी, चौथी टीम राशन कार्ड वोटर कार्ड इस तरह के जितने सामाजिक समस्याएं उसको देखेगी, पांचवी टीम मेरी उसको देखेगी, स्वच्छता, भारत अगर स्वच्छ है तो हम स्वच्छ हैं, स्वच्छता से संबंधित सारे कार्य देखेगी, जिसमें कि एक मेरे बीच में मेरे मित्र बड़े भाई हैं स्वच्छता टीम में जो वर्तमान पर हर समय एक्टिव रहते हैं, उनको मुझे आगे और एक्टिव करना है, और सारी टीम का कोऑपरेशन मैं करूंगा खुद। अरे चलिए, यानी लगता है कि होना चाहिए, इस तरह के कार्य होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, आपके चुनाव में, क्योंकि मैदान पर उतरने के बाद हमें संघर्ष होता है, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में बिना पद के, यानी बिना पद के का कारण सिर्फ इतना है कि बिना दल के, क्या आपको लगता है चुनौती नहीं है आपके सामने? चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौती संघर्ष करना मेरा काम है, मैं शुरू से बचपन से संघर्ष किया हूँ, चुनौती मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात क्या नहीं लगता है? मैं आगे संघर्ष करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता, मेरे भाई, मेरे युवा, मेरी माताएं मुझे प्यार देके मुझे विजयी बनाएंगी, और मैं उनके तत्पर सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा, चाहे रात हो और चाहे दिन। जिस तरीके से आपने गिनाया है कि अब तक इतने काम कराने हैं, क्या निवर्तमान पार्षद ने कोई का ऐसे काम नहीं करा जनता के हित के लिए हो? कोई भी कार्य पार्षद ने नहीं किया, और इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आप सेक्टर एच में जाके देख सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा विद्यावती फर्स्ट का है, उसमें राजेंद्र पांडे जी ने बहुत कार्य कराया है, इस बात की मैं सराहना करता हूं जो उनका क्षेत्र कट गया है, लेकिन जो विद्यावती सेकंड का हिस्सा था सेक्टर एच, हमारा पार्षद कभी वहां देखने नहीं आता था, वहां लगातार
मैंने काम किया, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सीवर हो, चाहे जो समस्या हो, स्वच्छता लगा के मैंने किया। कैसे देखते हैं आप गुलाब को? गुलाब को देखने का नजरिया इस समय कैसा है आपको? गुलाब एक जो है प्यार का वो है, प्यार की मिसाल, प्रतीक, प्यार का प्रतीक है। हाँ। और लोगों में इसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। गुलाब चुनाव चिन्ह मेरे लिए सौभाग्यशाली है जो मुझे गुलाब का फूल मिला है। जी जी। और गुलाब जो है हर जगह मिल जाता है जहाँ की आसानी से ढूंढे। यानी इसका मतलब चंद्रमणि पांडे जीतने के बाद हर जगह मिलेंगे? हर जगह मिलेंगे। और मैंने कल सेक्टर जे में पार्क के अंदर दो गुलाब के फूल खुद अपने हाथों से लगा के पेड़। मैंने शुरुआत गुलाब के फूल के पेड़ों से किया। वहाँ मेरी माताएं बहनें सेक्टर जे की थीं। और आगे गुलाब के फूल को मैं जीतता हूँ तो जितने पार्क हैं जिनका मैं सौंदर्यीकरण कराऊंगा सारे पार्कों में दो दो वृक्ष लगाऊंगा गुलाब फूल। जनता का प्रेम और जनता का हर्ष और उत्साह ये देखने से मालूम पड़ता है कि जरूरत ऐसे व्यक्ति की है जो प्रामाणिक हो, जरूरत ऐसे व्यक्ति की है जो धरातल को समझता हो, जो ढकोसला ना करे राजनीति में आने के बाद, और जरूरत ऐसे व्यक्ति की हो जो बाहरी ना हो जो स्थानीय हो, यानी बाहरी बनाम स्थानीय इस बार चुनाव है। देखते हैं भविष्य में किस खाने का बटन ज्यादा दबेगा और कहाँ पर वोट ज्यादा पड़ेगा और कौन जीतेगा, ये तो भविष्य तय करेगा। खैर आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात आप वोट डालने जरूर जाइएगा और एक बात सोच के जाइएगा कि आपका वोट हमारा भविष्य है। कैमरामैन आशीष के साथ जतिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़।